हेलो बच्चों, तो आज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4th और आज हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों, ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपने क्लास 11th में गैसेस के बारे में ऐसे ही पढ़ा था, आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस। तो हमने कहा था कि जो गैसेस गैस लॉज को बढ़िया से फॉलो करें उनको बोल दो आइडियल गैसेस, जो गैस लॉ को एकदम खूबसूरती से फॉलो करें, और जो गैस लॉज को फॉलो नहीं कर पाए, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ वगैरह वगैरह, उसको बोल दो नॉन आइडियल गैस, जो लॉ नहीं फॉलो किया। सेम चीज यहां पे होनी है आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। इससे पहले सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, सॉल्यूशन 02, सॉल्यूशन 03, जिसमें हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, अगर आपको राउल्ट्स लॉ देखना है तो यूट्यूब पे टाइप करना होगा सॉल्यूशन 02 राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन 03 राउल्ट्स लॉ, दोनों में राउल्ट्स लॉ। अब जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट्स लॉ को अच्छे से फॉलो नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। खत्म सर, वीडियो बंद करें, जाए अपन, हो गया अभी तो शुरू हुआ है कि नहीं। तो इन बातों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है तो आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं फिर से अनाउंस करता हूं, अपने नोट्स बेस्ट होते हैं, ऑल दो इसके नोट्स आपको यहां से नेक्स्ट 4 to 5 days में, अब पता नहीं 4 to 5 days तक, 4 days में हमारी वेबसाइट आएगी तो वहां पे आपको नोट्स अपलोडेड मिलेंगे PDF फॉर्मेट में। मैं अनाउंस करूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। So my name is Alakh Pandey and this is your beautiful channel Physicswala, and let us start the topic which is ideal and non-ideal solution. तो ideal और non-ideal solutions समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि solution कैसे बनता है। जैसे धमाल movie में आपने देखा होगा, plane land करने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्लेन उड़ाते कैसे हैं। तो उसी तरह से इसको समझने के लिए पहले सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं इस पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है, ध्यान दें। 2-3 चीजें हैं जिसको आज हमें ध्यान देना है। मान लो यहां पे कोई एक प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड ए, ए का मॉलिक्यूल, ए का मॉलिक्यूल, ए का मॉलिक्यूल, ए का मॉलिक्यूल, और यहां मान लो कोई प्योर लिक्विड बी है, ठीक है, प्योर लिक्विड बी, ठीक है। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके दो कंपोनेंट हैं, बी 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 बी, किसकी बी, बी, हाँ हाँ, छी छी सर, ठीक है। तो प्योर लिक्विड बी है, ठीक है। मान लेते हैं प्योर लिक्विड ए का वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2, वॉल्यूम इन दोनों को हमने मिक्स किया प्यारे बच्चों, मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन जिसमें ए बी है, बी बी है, ए बी है, बी बी है, ए बी है, बी बी है, बी बी नहीं है इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम बोल देते हैं वी एफ। अब सारा खेल आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का इन वॉल्यूम के ऊपर ही है, ठीक है। अगर वी फाइनल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाए तो हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आपने देखा होगा मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करते वक्त या जितनी भी केमिस्ट्री में आपने सवाल किए हैं, आज तक आपने ये सोचा ही नहीं था कि ये इन दोनों के सम से अलग हो भी सकता है। हमसे कोई बोलता है ये 20 ml, ये 30 ml, दोनों को मिलाया, हम सीधा आंसर बोलते हैं 50 ml। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि ये अलग हो सकता है, जबकि ये हो सकता है। हम जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसमें हम आज तक जिंदगी में यही मान के चल रहे थे कि ये सारे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, इसलिए हमको जो भी लॉज मिलता था हम उसको उठा के लगा देते थे। अरे हमको केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती थी हम तो सोचते थे हाँ ठीक है, आइडियल सिचुएशन है, इसको जोड़ के ये आएगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। यही इस टॉपिक की आज खूबसूरती है कि V1 प्लस V2 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू VF। अगर इक्वल होता तो आइडियल, नहीं होता तो नॉन आइडियल, यहीं से कहानी होनी है सारी। यानी हम 2-3 चीज़ें बताएंगे उस पर ध्यान देना। पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है डेल्टा V ऑन मिक्सिंग, यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। अगर चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग 0 है तो आइडियल सॉल्यूशन, और 0 नहीं है तो नॉन आइडियल। अभी धीमे धीमे चलेंगे, अब बताएंगे। तो इन सब चीजों पे हमें डिस्कशन करना है। चेंज इन वॉल्यूम समझ रहे हैं, V1 प्लस V2 इनिशियल वॉल्यूम,
वी फाइनल फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब वी डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, मतलब आपको ये एक टर्म निकालना है ए वी एफ माइनस वी वन प्लस वी टू, और हमेशा ये जीरो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा बराबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है बच्चों, क्या क्या चीजें यहां इंपॉर्टेंट है सुनते जाओ, कि देखो यहां पे ए ए के बीच में बॉन्ड है, यहां पे बी बी के बीच में बॉन्ड है, या कोई इंटरैक्शन है, कोई वंडरवॉल फोर्सेस हैं, इंटरैक्शंस तो हैं, इंटरैक्शंस। अच्छा, यहां से यहां आने के लिए ए ए के इंटरैक्शंस को तोड़ना पड़ेगा, सो ए ए इंटरैक्शंस को ब्रेक करना पड़ेगा। आपको पता है इंटरैक्शंस ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ती है, तो हम बोलेंगे यहां पे हीट एब्जॉर्ब्ड हुई। इस तरह से आपको बी बी के इंटरैक्शंस को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तभी सल्यूशन बनेगा, सल्यूशन। तो यहां पे भी हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, है कि नहीं। और यहां पे बनेंगे ए बी के इंटरैक्शन, ये तो फॉर्म होंगे नए नए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, आ वाह वाह वाह, इंटरैक्शन फॉर्म होंगे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे। तो बच्चों जब इंटरैक्शन फॉर्म होते हैं तो हीट एनर्जी बाहर निकलती है, आपको पता होगा कि एनर्जी जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ती है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज, तो यहां पर हम बोलेंगे हीट रिलीज। तो अब एक कहानी ये भी है हीट की, कि सल्यूशन बनने पे डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज इन हीट बोलेंगे, या ये टर्म याद है आपको 11 से पढ़ते थे, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, एंथैल्पी समझते हैं ना, हीट को ही बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। यहां पे जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, यहां जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, क्या यहां उतनी ही हीट रिलीज हुई बराबर से? अगर होती है तो ये जीरो हो जाएगा। क्या पता यहां हीट रिलीज ज्यादा हो, यहां एब्जॉर्ब कम हो, क्या पता यहां एब्जॉर्ब ज्यादा हो, यहां रिलीज कम हो। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिसाइड करने में, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग। तीसरी चीज है इंटरैक्शंस। इंटरैक्शंस हमें ध्यान देना है ए ए बी बी के इंटरैक्शंस पे और ए बी के इंटरैक्शंस पे, कि ये इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं, ठीक है। इस पे ध्यान देना है कि यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सब सेम है या अलग अलग है। जैसे जरा सोचो, जस्ट सोचो कि ए ए इंटरैक्शंस और बी बी इंटरैक्शंस कमजोर हैं और ए बी इंटरैक्शन स्ट्रांग है। जस्ट सोचो, ऐसे सोचो, ये कमजोर, ये कमजोर, ये स्ट्रांग। तो जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, ये स्ट्रांग है, बढ़ी बढ़ी तो मॉलिक्यूल्स पास आए, मॉलिक्यूल्स पास आए तो वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चले गए। और अगर सारे इंटरैक्शन सेम है, ये तो भैया जो फोर्स यहां वो फोर्स यहां वो फोर्स यहां, तो मॉलिक्यूल जितनी दूर थे उतनी ही दूर रहेंगे या जितने पास थे उतने ही पास रहेंगे, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तब डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो आइडियल सॉल्यूशन। अभी धीमे धीमे डिटेल में चलेंगे, अभी बता रहे से ऊपर ऊपर, अभी तो पूरा लिखवाएंगे आइडियल नॉन आइडियल, टेंशन ना ले। समझ में आ रहा है क्या कहानी हो रही है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरैक्शंस, इसी की वजह से ये इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये इंटरैक्शन कमजोर, ये कमजोर, ये स्ट्रांग, ये कमजोर कमजोर और ये उसके सामने स्ट्रांग, तो भाई कमजोर को तोड़ने में कम हीट लगेगी, कमजोर को तोड़ने में कम हीट लगेगी और स्ट्रांग के बनने में ज्यादा हीट निकलेगी। यानी यहां मान लो हीट एब्जॉर्ब हुई 20 जूल, यहां एब्जॉर्ब हुई मान लो 20 जूल और यहां बाहर निकल गई 50 जूल, तो क्या डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है? नहीं है। ये 40 होता तो जीरो होता, जितनी एब्जॉर्ब हुई जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी रिलीज, ऐसा नहीं। क्यों हुआ? इंटरैक्शन, सारी कहानी इंटरैक्शन पर डिपेंड कर रही है, यही खेल है असली, इसी पे एग्जाम्पल्स बताएंगे हम। अगर ये सारे इंटरैक्शन सेम होते तो बच्चों यहां पे हीट निकलती 40 जूल, है कि नहीं। जितनी हीट इसमें एब्जॉर्ब, इतनी इसमें उतनी इसमें रिलीज हुई, ओवरऑल डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो आया। पर अगर इंटरैक्शन में खेल इधर उधर हुआ, ये इंटरैक्शन मजबूत हुए तो 50 जूल, ये इंटरैक्शन वीक हो गए तो 30 जूल हो गए तो भी डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं, 50 में भी जीरो नहीं, ठीक है। तो यही सब कहानी हमें देखनी है,
चौथी और पांचवी चीज मैं एक साथ लिख रहा हूं, डेल्टा एस मिक्सिंग की बात कर लो और डेल्टा जी मिक्सिंग की बात कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग एक ही में कर दिया। डेल्टा एस मिक्सिंग चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग, बच्चों आपको पता है कि एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, 11th में पढ़ रखा है, जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतनी ज्यादा रैंडमनेस, उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो आप देख रहे हो जब भी सोल्यूशन बनेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, ऑलवेज। अब ये चीज आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पर डिपेंड ही नहीं करती, यानी मैं कभी भी आपसे पूछूंगा कि सोल्यूशन बनाते वक्त डेल्टा एस क्या होगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ रही है। अब डेल्टा जी मिक्सिंग की बात हुई, ये क्या होता था, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, कोई लिखना चाहता है लिख ले, चेंज इन एंट्रोपी, यहां लिख दे रहा हूं छोटा सा, चेंज इन एंट्रोपी। और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। बच्चों अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज लेस देन जीरो होता है, आपने पढ़ रखा होगा ये चीज, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब अगर खुद से हो रहा है, अगर वो रिएक्शन हो रहा है, इसको रिएक्शन ही तो बोल सकते हैं, दोनों रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो कोई भी चीज अगर हो रही है बच्चों तो डेल्टा जी मिक्सिंग उसका लेस देन जीरो, उसका डेल्टा जी लेस देन जीरो यहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है, तो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। तो ये दो चीजें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेंगी, ये तीन करेंगी, ठीक है, इन तीनों के ऊपर इंपॉर्टेंट है, ये तीन वेरी करेंगी तो पता चलेगा आइडियल है कि नॉन आइडियल, बट दीज टू क्वांटिटीज विल रिमेन सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशन, भले ही वॉल्यूम जोड़ के इसके बराबर आए भाई अलग आए, डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो, मॉलिक्यूल्स बढ़े हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगी है ना, अगर रिएक्शन हो रहा है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो। तो बेसिकली तो यही चार पॉइंट है, एक आखिरी पॉइंट में पांच लिख दूं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज राउल्ट्स लॉ, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर ले जाए वो आइडियल सोल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना कर पाए वो बना नॉन आइडियल सोल्यूशन। शुरू किया जाए, अब लिख लें आप, तो क्या क्या फैक्टर हमको ध्यान में रखने हैं, 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ये चार फैक्टर हमको ध्यान देने हैं, इन फैक्टर्स की हमको बात नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलख पांडे, चलिए शुरू करते हैं, समझ में आ गया, तो यहां से आगे हम बढ़ेंगे। ये क्या हुआ सर, मिटा रूं इसको हमें देखना है, अभी तक समझ में आ रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने पे हीट बाहर निकली या हीट एब्जॉर्ब हुई या कुछ ना हुआ, ओवरऑल हीट में कोई चेंज नहीं तो जीरो, बाहर रिलीज हुई तो नेगेटिव, पता है कि नहीं, एनर्जी जब रिलीज होती है तो नेगेटिव लेते हैं हम, और अगर एब्जॉर्ब हुई तो पॉजिटिव, तो ये सब चीजें देखनी है हमको। चले आगे बढ़े, चल भाई आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, 1, 2, 3, 4 बंद करो ये अत्याचार, चल भाई मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो घुल गया है सांसों में वही गीत लाए हो तुम, आप सब मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो घुल गया है सांसों में वही गीत लाए हो तुम, तुम ही कहो दिल जो ऐसे गाए कोई क्यों ना गुनगुनाए। एक दिन एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आप नए गाने क्यों नहीं गाते हो, बच्चों गाने तो हमारे जमाने में बनते थे, आजकल गाने के नाम पे शोर होता है, ऐसे ही सब लोग बोलते थे, ऐसे ही मेरे फादर लोग मुझसे बोलते थे, ऐसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ। चलो वापस आते हैं, तो भैया बात हो रही थी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, पहला पॉइंट विच फॉलोज, अब देखो थियोरेटिकल लेक्चर है, जल्दी जल्दी मैं हाथ बढ़ाता हूं, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, जो हर टेम्परेचर पे हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करें। दूसरी बात, जिस सॉल्यूशन का डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो हो, अच्छा पहले राउल्ट्स लॉ समझ लो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें मतलब क्या,
मतलब मान लो आपने इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकाला एक्सपेरिमेंट से, है ना, यू ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, आपने प्रेशर निकाला फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, है ना, एक्सपेरिमेंट्स किया, वो उसका यूज कर लिया मैनोमीटर, ठीक है, गैस का प्रेशर हम किससे निकालते हैं, मैनोमीटर से. तो आपने वेपर प्रेशर निकाला इस सॉल्यूशन का, एक्सपेरिमेंट करके मैनोमीटर लगा के देखा, मेजर किया, लैब में इतना आ रहा. फिर आपने यही प्रेशर राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया, फॉर्मूले से, पहले एक्सपेरिमेंट से फिर फॉर्मूले से कैलकुलेट किया. फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, राउल्ट्स लॉ पढ़ रखा होगा आपने, है ना, ये होता है प्रेशर ऑफ प्योर ए प्रेशर ऑफ प्योर बी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. तो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड प्रेशर बाय राउल्ट्स लॉ, और एक बार आपने लैब में मेजर कर लिया इंस्ट्रूमेंट से, हमने देखा कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आ गई, इसीलिए हमने कहा इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, जो पी ऑब्जर्व्ड है, जो पी कैलकुलेटेड है, दे कम आउट टू बी सेम. इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट के लिए भी सेम आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पी ए को भी ऑब्जर्व किया, मतलब कि एक्सपेरिमेंट से निकाला, और कैलकुलेशन से पी ए आया पी नॉट ए जीटा है, और हमने पाया कि ये दोनों इक्वल है, कैलकुलेशन ये राउल्ट्स लॉ से ये आया, एक्सपेरिमेंट से ये. जैसे हमने पी बी भी निकाला, तो पी बी हमारा जो ऑब्जर्व्ड था, जो एक्सपेरिमेंट से आया मैनोमीटर की हेल्प से आया, और जो राउल्ट्स लॉ के कैलकुलेशन से आया, पी नॉट बी जीटा बी, दोनों इक्वल, इधर से राउल्ट्स लॉ इधर से एक्सपेरिमेंटल, तो मैच कर गया, तो हमने बोला कि राउल्ट्स लॉ इस पे ट्रू है. ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, सर्वश्रेष्ठ आइडियल. इन पे सारे लॉज आप लगा सकते हो जितने भी केमिस्ट्री में आज तक पढ़ते आए. दूसरी बात, आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होता है. ऐसा क्यों, रीजन, अब रीजन समझो, रीजन छुपा है इंटरैक्शन में. आइडियल सॉल्यूशन में ए ए के इंटरैक्शन, सब कंसेप्ट है, बी बी के इंटरैक्शन, और ए बी के इंटरैक्शन, और बोलते थे मेरठ वाले मेरे फ्रेंड्स, और भाई के आले इंटरैक्शन, बहुत मजा आता था मेरे को उनके साथ, बोथ ए ए इंटरैक्शन, बी बी इंटरैक्शन, ए बी इंटरैक्शन, सब बराबर हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन. अब सुनो इससे क्या होगा, देखो जैसे ए ए के मॉलिक्यूल्स में फोर्स थी, वैसी ही बी बी में थी, वैसे ही ए बी में, यानी मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही बढ़ी ना ही घटी. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो मॉलिक्यूल्स जितनी दूर थे उतनी ही दूर है, सॉल्यूशन बनने पे मॉलिक्यूल्स ना ही पास आए ना ही दूर गए, तो भैया वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, है कि नहीं. आपने इसका 20 से मिल लिया, आपने इसका 30 से मिल लिया, दोनों को मिलाया, फाइनली 50 से मिलाया, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ना ही पास आए ना ही दूर गए. अगर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बदल जाती तो मॉलिक्यूल्स या तो दूर जाते तो ये ज्यादा हो जाता, पास आते तो ये कम हो जाता. क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग इज डेल्टा एच मिक्सिंग. सो डेल्टा एच मिक्सिंग हमने देखा वो भी जीरो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो. इसका भी रीजन सेम है, द रीजन इज सेम एज दिस, कि इंटरैक्शन सेम थे, इनमें जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, इनमें जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उसमें इतनी हीट रिलीज हो गई, है ना, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड. हीट रिलीज कब हुई, फॉर्मेशन ऑफ ए बी, और हीट एब्जॉर्ब कब हुई, ब्रेकिंग ऑफ ए ए एंड बी बी. अब सब क्योंकि इंटरैक्शंस बराबर है तो हीट भी बराबर, भाई ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर मान ली, तो मान लो इसको तोड़ने में हीट लग गई 100 जूल, इसको तोड़ने में हीट लग गई 100 जूल, तो भैया इसके फॉर्मेशन में 200 जूल निकलेगी कि नहीं, मॉलिक्यूल्स भी तो बढ़ गए, 100 क्यों निकलेगी, यहां मॉलिक्यूल्स का मैं कम है, वहां दोनों मिल भी तो गए, सारे मॉलिक्यूल्स भी तो आ गए. हमने कहा ये बॉन्ड बराबर, तो इसमें जितनी हीट लगी, इसमें जितनी हीट लगी, इसमें इतनी हीट निकली, एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो. ये है आइडियल सॉल्यूशन. और कुछ बचा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और कोई बात, और कोई खूबसूरत, इंटरैक्शंस मैंने बताई दी, इंटरैक्शंस की बात कर लो, इसको मैं बोलूंगा फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एफ ओ ए यूज कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ए ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू ए बी, यही है आइडियल सॉल्यूशन और क्या। बाकी डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग पे बात करनी है तो मैं फिर से कर लूं, पर कोई मतलब नहीं है। डेल्टा एक्स मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो, इनकी बात बार बार मत कराओ मेरे से, याद कर लो कि कोई भी सॉल्यूशन हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, ये दोनों हमेशा ऐसे ही आएंगे। इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ रही है। डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन जीरो आएगा क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। तो ये आइडियल नॉन आइडियल से इनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, इनकी वैल्यू यही रहेगी। बाकी ये सारी चीजें आइडियल सॉल्यूशन की, सब से मेन चीज यही है राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, जिसमें हम प्रेशर एक्सपेरिमेंट से निकाले हो, जिसमें हम प्रेशर राउल्ट्स लॉ से निकाले हो, दोनों बराबर आ जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर भी राउल्ट्स लॉ से, टोटल प्रेशर भी राउल्ट्स लॉ से, इंटरेक्शन सारे बराबर होंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगा। इसका एक छोटा सा हम ग्राफ बनाएंगे, सुंदर सा, चलें सभी लोग कॉपी में एक ग्राफ बनाएं। वत्स, आप अपने राइट हैंड में एक पेन पकड़ें और एक सुंदर सा ग्राफ खींचें राउल्ट्स लॉ का, वही होगा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। मिटा रहे हैं इसको, मिटा दें, ओके। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, राउल्ट्स लॉ वाला ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का, जल्दी से, कचूक कचूक, ऐसे। यहां हम बोलेंगे ए का मोल फ्रैक्शन जीरो, याद आ गया, यहां बोलेंगे ए का मोल फ्रैक्शन वन, यहां बोलेंगे b का मोल फ्रैक्शन 1 और यहां बोलेंगे b का मोल फ्रैक्शन 0। बनाया है ना ये ग्राफ, इधर से इधर a के मोल्स बढ़ रहे, इधर से इधर b कंसंट्रेशन है। यहां कौन सा लिक्विड है, यहां प्योर b है और यहां कौन है, प्योर a है, a का मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है। तो pa की बात करें तो pa का ग्राफ ऐसा बनेगा, a के मोल्स 0 है, a के मोल्स 1। भाई pa का फॉर्मूला क्या है, pa का फॉर्मूला है P not A zeta A, तो जैसे जैसे zeta A बढ़ रहा है वैसे वैसे P A बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया P not A, तो ये ग्राफ हो गया P A is equals to P not A zeta A। दूसरा ग्राफ P B का बना है, P B यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, यहाँ zeta B zero है, भाई P B की वैल्यू क्या होगी, P not B zeta B, यहाँ जीटा भी जीरो, यहाँ पी भी जीरो होगा, यहाँ जीटा भी वन है, इसको वन रखोगे पी बी, पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है, ऊपर नीचे दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी के प्योर लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा है, किसी के प्योर लिक्विड का प्रेशर कम है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया पी नॉट बी और ये ग्राफ बन जाएगा पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी, इधर से इधर बी के मोल्स पड़े तो बी का पार्शियल प्रेशर। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है, ये बन गया P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। तो ये ग्राफ बनेगा फॉर कंसंट्रेशन वर्सेस प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में ऐसा ग्राफ नहीं दिखेगा, ये आइडियल सॉल्यूशन का है क्योंकि इसमें राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। P टोटल की वैल्यू आती है P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B, ये ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट से, ये कैलकुलेटेड, दोनों बराबर, ठीक है, P टोटल इतना ही आ रहा, ठीक है। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, नोट कर लो। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं उनके, टाइम पास एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भाई ऐसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लो जिसमें ए ए की इंटरेक्शन, बी बी की इंटरेक्शन और ए बी की इंटरेक्शन बराबर हो, यही इसका हिंट है। तो बच्चों ऐसे जैसे, ऐसे जैसे सी एच थ्री ओ एच मिथेनॉल, सी टू एच फाइव ओ एच इथेनॉल, प्यारा एग्जाम्पल, प्यारा एग्जाम्पल, यहां देखो इसका पोलर नेचर, इसका पोलर नेचर सेम है भाई, दोनों अल्कोहल हैं तो पोलर नेचर सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम है। और थोड़ा सा मॉलिक्यूलर साइज का भी ध्यान दो वरना वांडर वॉल फोर्स चेंज हो जाएगी। अगर ये मॉलिक्यूल्स और बड़े बड़े होते तो इनके बीच की वांडर वॉल फोर्स ज्यादा होती, वांडर वॉल साइज पे डिपेंड करती है, थोड़ा सा साइज का भी ध्यान दो। तो नियरली सेम साइज, अब नियरली सेम साइज का मतलब कि यहां से एक कार्बन ऊपर ही जाना,
अगला फैमिली मेंबर ही लेना, मिथेनॉल के बाद इथेनॉल ले लेना, मिथेनॉल के साथ प्रोपेनॉल मत लेना, क्योंकि मिथेनॉल के साथ प्रोपेनॉल लोगे तो पोलर नेचर तो सेम रहेगा पर सेम साइज नहीं रहेगा, तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। पोलर नेचर से डाइपोल वाली फोर्सेस सेम रहती हैं, पोलर नेचर सेम रहने से। जैसे मान लो नेक्स्ट आप ले सकते हो C2H5Cl प्लस C2H5Br। अब देखो क्या किया इसमें अपने, ये कार्बन वाला ये वाला ग्रुप सेम रखा, इधर चेंज कर दिया फंक्शन ग्रुप, क्लोरीन और ब्रोमीन, साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है, नेक्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी सेम पोलर नेचर भी हो गया और नियरली सेम साइज भी हो गई। जैसे मान लो ये बहुत देता है किताब में, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। अब देखो ये भी सेम है, करीब करीब इनकी साइज भी सेम है और पोलर नेचर भी सेम है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है कि नहीं। एन हेक्सेन में 6 कार्बन, एन हेप्टेन में 7 कार्बन, तो नियरली सेम भी हो गया। जैसे मान लो ये दे दिया हमको C2H4Br2 प्लस C2H4Cl2। तो यहाँ पे भी देखो मेन आपका कार्बन की जो स्केलेटन है वो सेम है, फंक्शन ग्रुप थोड़ा सा चेंज कर दिया, जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट लिया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मत करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको ये दे दिया कि C2H5Cl प्लस C2H5I, क्या ये आइडियल सोल्यूशन होगा? बहुत ज़्यादा आप दूर चले गए हो, यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज बहुत डिफरेंट हो गया है, इसमें वांडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इसमें वांडरवॉल फोर्सेस कम होंगी, बी बी की फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ए ए की कम हो गई। सो दिस इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि क्लोरीन एंड आयोडीन हैव लार्ज डिफरेंस इन साइज। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना कि करीब करीब सेम साइज हो तब खेल सही रहेगा। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं और देख लो, एग्जाम्पल यहाँ लिख दूँ, छठा एग्जाम्पल जैसे बेंजीन और टोलिन का बहुत दिया जाता है, C6H6 प्लस C6H5CH3, बेंजीन एंड टोलिन, ये भी बहुत दिया जाता है किताब में, बेंजीन एंड टोलिन। तो ये याद रखना कि नियरली सेम साइज हो और सेम पोलर नेचर हो, जैसे ये नॉन पोलर, नॉन पोलर और साइज करीब करीब सेम है। भाई कितना बड़ा, एक कार्बन बड़ा है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन बड़ा है टोटल, है कि नहीं, एक कार्बन बड़ा, दो हाइड्रोजन। तो बहुत छोटा मोटा डिफरेंस हो और पोलर नेचर सेम हो तभी आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है, तभी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी होगी। देखो ये भी हमारा हैलोजन ग्रुप, ये भी हैलोजन ग्रुप, और साइज में भी डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह से ध्यान देना है। क्लियर है, मिटा दें। इसमें ये वाला एग्जाम्पल बहुत आता है एग्जाम में, ये आपने देखा होगा, इसके सवाल मैंने पहले भी कराए थे, मिथेनॉल और इथेनॉल का मिक्सचर पहले दो लेक्चर्स में कराए, और एक ये वाला आपने बहुत देखा था, बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये और ये वाला बहुत आता है, याद रखेंगे आइडियल सॉल्यूशन। कंसेप्ट क्लियर है, क्यों आइडियल है, क्योंकि इनके पोलर नेचर सेम है, यानी इन पे होने वाली फोर्सेज एक जैसी हैं, दोनों के सॉल्यूशन के अंदर जो फोर्सेज हैं वो सेम है और सेम साइज है, जिससे वान डर वाल फोर्स भी सेम रहेगी। मिटा रहे, सेम या नियरली सेम। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन, अब चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, गैस में याद है आइडियल गैस होती थी जो गैस लॉ को फॉलो करती थी, नॉन आइडियल होती थी जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करती थी, सेम कहानी यहां पे भी होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखो याद तो बहुत आसानी से करा सकते हैं, याद तो रटा दो ऐसे बन दे। आइडियल के लिए क्या करो, डेल्टा वी मिक्स जीरो, डेल्टा एच मिक्स जीरो, सारे इंटरैक्शन एक जैसे, राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, खत्म, आए वापस। क्या आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कुछ याद ही नहीं रखना है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, सारे इंटरैक्शन एक जैसे, राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, खत्म। भाई तीन ही चीज देखनी है आपको, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, इंटरैक्शन और एक राउल्ट्स लॉ, तो समझ ही गए। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, इंटरेक्शन एक जैसे, खत्म आइडियल। नॉन आइडियल में यही चीजें नहीं होंगी, जैसे सबसे पहला फॉलो पॉइंट हो जाएगा, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। हो सकता हो करता भी हो फॉलो, बट ऑल कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे नहीं करता हो, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो ओवरऑल हमने कहा डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, मतलब कहने का मतलब कि हमने पी टोटल निकाला, कहां से निकाला, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट से, मैनोमीटर से मेजर किया, मतलब हमने खुद से, ठीक है। और फिर हमने राउल्ट्स लॉ से निकाला, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, है ना, ये कैलकुलेटेड कहां से, राउल्ट्स लॉ से। और हमने कहा क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, हमने देखा दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें एक्सपेरिमेंट से निकालने वाला प्रेशर और राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया हुआ प्रेशर मैच ना करे, इवन इंडिविजुअल कंपोनेंट में भी मैच नहीं किया। जैसे हमने निकालना चाहा पी ए फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, डजंट कम आउट टू बी इक्वल टू पी नॉट ए जीटा, नहीं आया,
ये राउल्ट्स लॉ से, ये एक्सपेरिमेंट से, सेम नहीं हुआ। जैसे हमने पी बी निकालना चाहा फ्रॉम आर ऑब्जर्वेशन और राउल्ट्स लॉ से निकाला पी नॉट बी जीटा बी, नहीं हुआ इक्वल। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें राउल्ट्स लॉ का कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन मैच नहीं करता। दूसरी चीज होगी डेल्टा वी मिक्सिंग, तो भैया इसका डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, काहे कि इंटरैक्शंस चेंज हो गए, इंटरैक्शंस अलग अलग हो गए ए ए बी बी और ए बी के, अब उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों में नहीं है, या तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बढ़ गई तो मॉलिक्यूल क्लोज आ गए तो डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गई, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, है ना, दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। अभी बात करते हैं इसकी डिटेल में। तीसरी बात हो गई डेल्टा एच मिक्सिंग की, सो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। और इंटरैक्शन की बात कर लें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए के इंटरैक्शन बी बी के इंटरैक्शन आर नॉट इक्वल टू ए बी के इंटरैक्शन। हो जाते तो क्या बात थी भाई, हो जाते तो जितना वॉल्यूम इनका जोड़ के इनका आता, ये जीरो होता, जितनी हीट इसमें एब्जॉर्ब जितनी इसमें एब्जॉर्ब उतनी इसमें रिलीज, बराबर के बॉन्ड है एक जैसे हैं, जितनी एब्जॉर्ब उतनी रिलीज, ये भी जीरो हो जाता, बट नहीं हुआ, यही मेन कारण है, मेन कारण तो यही है, ठीक है। पांचवी चीज मैं फिर से लिख दूं अगर आप चाहें तो, क्या डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गए हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपको याद है जब हमने नॉन आइडियल गैसेस की बात की थी तो नॉन आइडियल गैस भी दो तरह की थी, कौन सी दो तरह की, एक थी नॉन आइडियल गैसेस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल गैसेस शोइंग नेगेटिव डेविएशन, याद है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड था, जेड ग्रेटर देन वन, जेड लेस देन वन, तो वैसी चीज यहां पे भी होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ये दो तरह के होते हैं। आइडियल कहानी क्लियर है, आइडियल में ये जीरो ये इक्वल और ये बराबर, नॉन आइडियल में ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं और ये बराबर नहीं। अब नॉन आइडियल दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरे को हम बोलते हैं विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स। दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमको पढ़ने हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले, एक नेगेटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये सारी चीजें इनसे बड़ी हो जाएंगी, ये ग्रेटर देन दिस, ये ग्रेटर देन दिस, ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ये इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हैं, पढ़ते हैं। नेगेटिव डेविएशन में सारी चीजें छोटी हो जाएंगी, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन दिस, लेस देन दिस, लेस देन दिस, नेगेटिव डेविएशन। पढ़ा जाए डिटेल में, चलते हैं भी ऐसे बताने समझ में। पॉजिटिव डेविएशन में सब पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव डेविएशन में सब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस। चलिए बात करते हैं, मिटा रहे, नॉट आइडियल क्लियर हो गया, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, रीजन क्या है, इंटरैक्शन सेम नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हीट की भी सेम कहानी होगी भाई, सेम इंटरैक्शन होगा जितनी एब्जॉर्ब होती उतनी रिलीज, मिटा रहे। अच्छा, एंड डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो बात करते हैं सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, पहले नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन कहां से, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यहां से कंपैरिजन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब समझो क्या होगा, पहला पॉइंट कि आपने जितने भी प्रेशर निकाले थे, जैसे आपने पी टोटल किया कहां से, एक्सपेरिमेंट से किया, ऑब्जर्वेशन से किया, ठीक है, मैनोमीटर वगैरह से वेपर प्रेशर मेजर किया, आपने देखा दिस कम आउट टू बी लेस देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है। जो आपने राउल्ट्स लॉ से कहानी को देखा और जब आपने एक्सपेरिमेंट से देखा तो एक्सपेरिमेंट वाली क्वांटिटी राउल्ट्स लॉ से कम आई, नेगेटिव डेविएशन, प्रेशर कम आया, जितना प्रेशर सोचा था
प्रेशर उससे कम आया, ठीक है, जितना हम सोच रहे थे प्रेशर होना चाहिए उससे कम। अभी देखेंगे ऐसा क्यों। जैसे हमने कहा पी ए को भी आपने ऑब्जर्व किया तो देखा इट इज़ लेस देन पी नॉट ए जीटा ए, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कह रहा था भैया 50 आना चाहिए, आया 40। जैसे पी बी भी आपने ऑब्जर्व किया तो आपने देखा इट इज़ लेस देन पी नॉट बी जीटा बी। तो सभी प्रेशर, सभी वेपर प्रेशर पार्शियल हो या टोटल हो, सब लेस देन राउल्ट्स लॉ आ गए। रीज़न क्या है, रीज़न यही समझ लो इसका। सेकेंड पॉइंट में पहले रीजन समझ लो। रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रेशर कम हो गया, प्रेशर क्यों कम होगा यार, वेपर प्रेशर क्यों कम होगा, कम वेपर्स बने तभी तो कम हुआ ना। कम वेपर्स क्यों बने, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई होगी। यानी यहां पे क्या हुआ कि ए ए का इंटरैक्शन बी बी का इंटरैक्शन कमजोर पड़ गया इन फ्रंट ऑफ ए बी का इंटरैक्शन। देखो यही एक चीज है जिसमें उल्टा हो गया, इधर ग्रेटर देन, बाकी सब में हमेशा लेस देन आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, चलो समझ में आ रहा है, इधर ही लेस देन है, ठीक है। कंसेप्ट पे आओ। अभी देखो फील चाहिए अपने को समझना चाहिए। देखो ये चीज तो अपने को पक्की समझ में आ रही है क्योंकि लिखा है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग, क्या चीज, एक बार पानी पी लू, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव का मतलब लेस देन। जो प्रेशर सोच रहे थे उससे कम आया, प्रेशर कम आया यानी वेपर्स कम बने क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, खेल खत्म, यही थी कहानी। तीसरी बात बिना ऊपर देखे लिख दो, नेगेटिव डेविएशन डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो। फोर्थ पॉइंट, नेगेटिव डेविएशन डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ गए, वो क्वांटिटी हमेशा एक जैसी आ रही है, यहां पे भी सेम आएगी, ये मेन कहानी है। अब बताती ऐसा क्यों हुआ, डेल्टा वी मिक्सिंग क्यों लेस देन जीरो हुआ सर, ये क्या हुआ, मतलब वॉल्यूम कम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग कम हो गया, वॉल्यूम कम तो हो ही जाएगा, ये इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गए, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो गया, बोलो सही है, ये इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, वॉल्यूम कम, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, इसका क्या मतलब हुआ। देखो डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब ओवरऑल इंथैल्पी नेगेटिव है, यानी एट द एंड हीट रिलीज हुई है, तो डेफिनेटली यहां पे हीट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ए बी इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ए ए बी बी। बात सोच के भी समझ में आ रही है, ये बॉन्ड वीक है इनको तोड़ने में कम हीट लगी, ये बॉन्ड स्ट्रांग है इनके बनने में ज्यादा हीट रिलीज हुई, ओवरऑल हीट रिलीज हो गई। जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, भाई डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब ओवरऑल, ये तो पता है ना केमिस्ट्री में कि डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है कि ओवरऑल हीट रिलीज है, ठीक है, और किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ा होगा ना, ये एक्सोथर्मिक ये एंडोथर्मिक, वो पहला वाला एक्सो दूसरा वाला एंडो, ये सब पता है। तो ओवरऑल लेस देन जीरो यानी ओवरऑल हीट रिलीज हुई है, क्यों रिलीज हुई, क्योंकि ये इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो यहाँ पे हीट रिलीज ज्यादा हो जाएगी, और ये इंटरेक्शन कमजोर है तो हीट एब्जॉर्ब कम होगी, तो ओवरऑल हीट रिलीज खत्म। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, क्लियर है। एग्जाम्पल देखने इसके, पहले ग्राफ बनाते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरेक्शन समझ में आ गया, इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाया जाए, क्लियर है, बहुत आसान है। नेगेटिव डेविएशन सब कुछ लेस देन जीरो मतलब सब कुछ लेस कर दो, प्रेशर ऑब्जर्व लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चलो ठीक है सोचना पड़ेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, और डेल्टा एस और डेल्टा जी की तो बात ही नहीं कर रहे, समझिए उसकी कहानी हमेशा सेम रहती है। इंटरेक्शन को सोच लिया करो, प्रेशर टोटल कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम, वेपर कम बने मतलब इंटरेक्शन बढ़ा, मिटा रहे मतलब इंटरेक्शन वाला मैं नहीं चाहता आप याद करो, फिर कुछ बचेगा ही नहीं यार, उसको भी रट लिया तो प्रेशर रट लो, वॉल्यूम रट लो, डेल्टा एच मिक्सिंग वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, वॉल्यूम कम क्यों होगा क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ेगा। अब इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ थोड़ा सा प्यारा सा बनाना। अब ये आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ नहीं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ है शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग
negative deviation from Rault's law. तो बच्चों पहले तो जो चीज लिखी थी वही लिख लेते हैं, x a is equals to 0, xb is equals to 1, यहां पे x a is equals to 1 और यहां पे xb is equals to 0. तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए, p a का ऐसा ग्राफ होना चाहिए, p b का, b के मोल्स ऐसे बढ़ रहे हैं तो b का प्रेशर ऐसे बढ़ना चाहिए, और ऐसा ग्राफ होना चाहिए p टोटल का. ठीक है, ऐसा हमने सोचा. पर है क्या कहानी कि ये तो आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ है, यहां नेगेटिव डेविएशन है. यहां हमने देखा जो PA है दैट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन P नॉट A जीटा A. अब देखो ये जो लाइन है ये वाली, ये P नॉट A जीटा A वाली लाइन है ना, जैसे ऐसे मोल्स बढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन वैसे वैसे PA बढ़ रहा है. हमने देखा थोड़ा सा इससे कम है, मतलब जो ऑब्जर्वड कहानी है वो इससे थोड़ी सी कम है, ऐसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रेशर उससे हमेशा नीचे रहा, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे प्रेशर ये. जैसे पीबी की बात करें तो ये लाइन है पी नॉट बी जीटा बी वाली, मतलब ये तो एकदम परफेक्ट एकदम रूल पे चल रहा है, कह रहा है ठीक है जितना जीटा बी उसके हिसाब से पी नॉट बी जीटा बी. बट जब हमने कैलकुलेट किया, सॉरी जब हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला तो हमने पाया कि ये चीज इससे कम आ रही है, तो यहां पर भी ग्राफ हमेशा इससे नीचे. कितना नीचे होगा वो चीजें डिपेंड करेंगी टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे, भाई कौन सा आपने नॉडल सॉल्यूशन लिया है, अलग अलग सॉल्यूशन. यही कहानी पी टोटल की है, पी टोटल आना चाहिए था इक्वल बट आया लेस देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी नेगेटिव डेविएशन, ये ऑब्जर्वेशन से ये राउल्ट्स लॉ से. तो ये बनना चाहिए था ग्राफ पर बना कुछ ऐसा. क्लियर, तो दिस इज द ग्राफ फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अब देखो क्या होना चाहिए इसके एग्जाम्पल में, है क्या ओवरऑल प्रेशर कम हो रहा है, मतलब इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं जैसे मान लो सबसे फेमस एग्जाम्पल लेते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन CH3CO CH3, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. जैसे ही सोल्यूशन बनेगा तो कोई नया इंटरेक्शन आ जाएगा जिसकी वजह से ए बी के इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, ये ए है ये बी है. देखो होगा क्या, क्लोरोफॉर्म को देखो ऐसे हमने बनाया CHCl CL CL और एसीटोन ऐसे बना लिया डबल बॉन्ड CO CH3 CH3 एसीटोन. यहां क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचा कार्बन पे थोड़ा प्लस, इसने भी खींचा इलेक्ट्रॉन थोड़ा प्लस, इसने भी इलेक्ट्रॉन खींचा कार्बन थोड़ा प्लस, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींचे, इस बॉन्ड के क्लोरीन ने, इस बॉन्ड के क्लोरीन, क्लोरीन जानते हो इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना, लालची टाइप का, कार्बन थोड़ा सा प्लस आ गया. अब कार्बन प्लस आया, इसने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन कहां से लें, हमें कमी हो गई, इसने कहा चल रहे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन दे रहे अपना, हाइड्रोजन बेचारा गरीब सा ले लो साहब, तो हाइड्रोजन पे भी प्लस आ गया. इस हाइड्रोजन के आसपास था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दानी आदमी दानवीर, इसके पास लोन पेयर, इसने कहा लो वत्स थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन हमसे शेयर कर लो. इसको हम लोग याद है क्या बोलते थे, क्लास 11 पढ़ा था, इसको हम बोलते थे हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, जब हाइड्रोजन के आसपास फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ जाए तब. ऑल्दो मैंने कभी ऐसा बताया नहीं कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट ऐसे कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बिना जुड़े हुए भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो होता है. यस दिस इज ट्रू, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऑब्जर्व्ड है. ठीक है, तो यहां पे एक नया इंटरेक्शन आया, तो इसके अंदर ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं था, इसके अंदर ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं था, सॉल्यूशन बनते एक नया इंटरेक्शन आया हाइड्रोजन बॉन्ड. जैसे हमने बोला क्लोरोफॉर्म के अंदर कौन सी फोर्स थी, तो हमने देखा वांडरवॉल फोर्स थी, इसके अंदर कौन सी फोर्स थी, वांडरवॉल फोर्स थी, इसके अंदर कौन सी फोर्स थी, वांडरवॉल फोर्स थी, और यहां एक नई फोर्स आई हाइड्रोजन बॉन्ड. और आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वांडरवॉल से स्ट्रॉन्गर होती है, वांडरवॉल वो होती है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में होती है, मॉलिक्यूल्स के आपस में. तो हमने देखा एक नया इंटरेक्शन है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास आ गए, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, प्रेशर घट गया, भाई वॉल्यूम ऐसे पास आ गए, अब वो ऊपर जाने ही नहीं चाहते, वेपर्स बनना ही नहीं चाहते, वेपर्स कम बने प्रेशर कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, अब ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो प्रेशर कम. ठीक है, तो ये होता है. तो ऐसे सोल्यूशन उठाओ जिसमें पहले कोई फोर्स ना हो और सोल्यूशन बनने के बाद फोर्स आ जाए, जैसे CHX3 ले लिया वेयर एक्स कैन बी क्लोरीन ब्लोमीन आयोडीन और प्लस यहां पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई ग्रुप हो गया, जैसे मान लो ले लिया CHCl3 प्लस
प्लस C2H5N, ले लिया हमने, ठीक है, C2H5NH2 ये ले लिया। तो यहां पे आप ऐसा ग्रुप ले लो जिसमें क्लोरीन वगैरह हो, वहां ऐसा ले लो जिसमें नाइट्रोजन वगैरह हो, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने लगेगी। इसका एक और फेमस एग्जांपल है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड में मान लो आपने HCl उठा लिया, HCl प्लस H2O बड़ा फेमस एग्जांपल है, जैसे आपने HNO3 उठा लिया बड़ा फेमस है HNO3 प्लस H2O। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर दिख जाए तो समझ जाओ नेगेटिव डेविएशन, जैसे मान लो H2SO4 प्लस H2O दिख जाए, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस, जैसे HI प्लस H2O दिख जाए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर के सॉल्यूशन भी शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, नोट कर लें। फिर हम चलें नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, मिटा दें, क्लियर है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आता है और ये भी आता है एग्जाम में, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर मिटा जाए। ओके, अब हम बात करेंगे अब सी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, टुम्पा टुम्पा टुम, टुम्पा टुम्पा टुम। तो आओ देखते हैं टुम्पा टुम्पा टुम क्या होगा इसमें। सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी प्रेशर आपने देखे, प्रेशर टोटल ऑब्जर्व विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, समझ गए होगे, पी ए जो आप ऑब्जर्व करोगे दैट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए, पी बी जो आप ऑब्जर्व करोगे दैट विल ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी। दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो। तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग विल आल्सो बी ग्रेटर देन जीरो। चौथा पॉइंट, अब ये रीजन इन सबका ऐसा क्यों हुआ, समझ तो गए ना, पॉजिटिव डेविएशन समझे नहीं, नेगेटिव में क्या था, ये सब लेस देन जीरो, लेस, पॉजिटिव में ग्रेटर देन, समझ तो गए होगे ना कि एक तो आइडियल है नहीं, राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, और ऊपर से पॉजिटिव डेविएशन है मतलब जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो राउल्ट्स लॉ से कहानी आ रही थी ये राउल्ट्स लॉ से आ रही थी, तो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो राउल्ट्स लॉ से ज्यादा आ रहा है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रेशर उससे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर क्यों आ रहा है, जितना हम सोच रहे थे राउल्ट्स लॉ कह रहा था कि प्रेशर बनेगा 100 mm, हम 100 mm के लिए तैयार थे, प्रेशर आ गया 150 mm, है ना 500 mm बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ बोलो। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ए के इंटरेक्शन बी बी, सही है, क्या चल रहा है, बी बी के इंटरेक्शन क्या हो रहा है, बी बी के इंटरेक्शन ग्रेटर हो गए ए बी के इंटरेक्शन से, ये थोड़ा कमजोर पड़ गए, दे आर वीकर दे आर स्ट्रॉन्गर। अब देखो वीकर होने से क्या हुआ, जब सॉल्यूशन बना तो बॉन्ड्स थोड़े कमजोर हो गए, बॉन्ड्स कमजोर हो गए, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, यानी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, डिक्रीज कर गया। अब बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज कर गया तो मॉलिक्यूल्स इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉन्ड इतना स्ट्रांग ही नहीं है, थोड़ा सा गर्म किया वेपर बन गया, तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर का प्रेशर ज्यादा बनेगा, जितने ज्यादा वेपर उतना ज्यादा प्रेशर, भाई जितनी ज्यादा गैस उतना ज्यादा प्रेशर, अरे गैस का प्रेशर पड़ा है कि नहीं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस लॉ पड़ा है कि नहीं, तो गैस का प्रेशर उतना ज्यादा होता है जितने ज्यादा उसके मोल्स हो, बार बार बोलता हूं ना, जितने ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा प्रेशर, समझ में आ रहा है कि नहीं, भाई जितना ज्यादा फोर्स कम हो गई उतना ज्यादा वेपर बने, उतने ज्यादा मोल्स वेपर में मिले उतना ज्यादा प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर, ठीक है, इसे बात करो डेल्टा वी मिक्सिंग। अब भैया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज कर गई, मॉलिक्यूल दूर दूर चला गया, दूर दूर चला गया तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, तो चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है,
जैसे मान लो यहाँ पे ए ए ऐसे बैठे थे एकदम स्ट्रांग, बी बी ऐसे बैठे थे एकदम स्ट्रांग, फिर ए बी ऐसे हो गए वीक, तो वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया, वीक हो गए, दूर दूर चले गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो मतलब ओवरऑल हीट रिलीज हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब, देखो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग ए ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी। भैया ए बी का बॉन्ड ही कमजोर है, जब बॉन्ड कमजोर है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बढ़िया हीट रिलीज होती है, बॉन्ड कमजोर में कम हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज कम हुई एब्जॉर्ब ज्यादा हुई, तो ओवरऑल डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? जैसे मान लो इनको तोड़ने में ए बी बी स्ट्रॉन्गर, इनको तोड़ने में मान लो लग गया 100 जूल, तो इसको हम बोलते हैं प्लस 100 जूल, और इनके बनने में मान लो हीट कम बाहर निकली मान लो 70 जूल, तो माइनस 70 जूल, जो बाहर निकलती है उसको नेगेटिव लेते हैं, ओवरऑल देखो क्या है डेल्टा एच मिक्सिंग प्लस 30 जूल। क्लियर है? ये स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में ज़्यादा फोर्स लगी, वो वीक है तो बनने में ज़्यादा हीट बाहर नहीं आई। नोट कर लिया, इसका भी ग्राफ बनाएं फिर एग्जाम्पल देखें। क्लियर हो गया? नेगेटिव डेविएशन क्लियर है, सब लेस देन जीरो, पॉजिटिव में सब ग्रेटर देन हो गया। मिटा रहे ओके। चलिए इनका ग्राफ देखते हैं, तो इनका हमने ग्राफ जब बनाया पुचुक पुचुक पुचुक, यहां हम लेंगे क्या, जीटा ए इक्वल टू जीरो, जीटा ए इक्वल टू वन, जीटा बी इक्वल टू वन, जीटा बी इक्वल टू जीरो। एक्चुअल ग्राफ ऐसा होना चाहिए था पी ए का, ऐसा होना चाहिए था पी बी का, है या नहीं, और ऐसा होना चाहिए था पी टोटल का, है ना, ऐसा हमने सोचा। सो हमने सोचा कि जो पी ए है वो पी नॉट ए जीटा ए के बराबर आएगा, तब ये ग्राफ सही होता, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, सॉरी पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। यहाँ पे देखो एक्स ए जीरो है, यहाँ पे पी ए जीरो आता, एक्स ए वन है, एक्स ए वन रखने में पी ए पी नॉट ए के इक्वल आता, बोले सही, एक्स ए को वन रखो पी ए किसके इक्वल आया, पी नॉट ए के, है ना, पिछले लेक्चर देखा होना जरूरी है, बट हमने देखा कि ये पॉजिटिव डेविएशन, तो ये ग्रेटर देन आ गया, पी बी भी हमने देखा ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी, पी टोटल भी हमने देखा ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ये सारी क्वांटिटी किससे आई हैं, ऑब्जर्वेशन। ये सारी क्वांटिटी इधर वाली किससे आई हैं, राउल्ट्स लॉ की कैलकुलेशन। तो ओवरऑल ग्राफ ऐसा बना, देखो कुछ जो सोचा था उससे ज्यादा है प्रेशर हमेशा, ये कुछ ऐसा बना कुछ जो सोचा था प्रेशर उससे ज्यादा आया। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे डॉट वाला, पर प्रेशर हमेशा इसके ऊपर, और ये वाला ऐसे कुछ। क्लियर है? आप ये सोच रहे थे डॉट वाला, बट बना ये प्रेशर हमेशा ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। इसके एग्जांपल्स देखे जाए, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। पिछली बार क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही थी, तो हमने ऐसा कुछ लिया था सोल्यूशन जिसमें सोल्यूशन बनने पे कोई नए तरह के बॉन्ड्स बनने लगे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा था। अब ऐसा लेंगे जिसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्ड था बट सोल्यूशन बनने पे वो टूट गया, जैसे H2O वाटर ले लिया हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें डाल दो बेंजीन, बेड़ा गर्ग। अब वाटर में बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही थी, मस्त एकदम सुंदर, इसके अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं थी, वंडर वॉल फोर्स थी सिर्फ, ठीक है। जैसे ही दोनों को मिलाया हमने, तो मिलके C6H6 बेंजीन आया, और बेंजीन ने आके इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब कर दिया, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस बाय इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को आके बेंजीन बीच में घुस गया, तोड़ने लगा, वीक कर दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, अब वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, समझ गए। तो पहले कोई इंटरैक्शन हो और बाद में वो टूट जाए तो पॉजिटिव, और पहले ना हो बाद में बन जाए तो नेगेटिव। दूसरा देखो, जैसे H2O प्लस टॉलीन C6H5CH3, जैसे मेथेनॉल प्लस बेंजीन, हाइड्रोजन बॉन्ड था इसको डालने से खत्म हो गया, इथेनॉल
प्लस टॉलिन या बेंजीन कुछ भी ले लो, एक पोलर एक नॉन पोलर है ना, नेचर देखो अलग अलग है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, क्लियर है। तो इससे कहानी खराब हो गई भाई, दोनों मिले इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया चल रही थी, इसके आने से कम हो गया, ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गई, डिक्रीज कर गई, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने से, क्लियर है। तो यहां पर लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए था, पर पॉजिटिव डेविएशन में दो केसेस बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर समझने के लिए, जो कि बाद में आएगा, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, इस लेक्चर को ऑलरेडी काफी लेंथ हो गई है। तो पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन शो करते हैं उसमें दो केसेस बनेंगे, जरा उसको ध्यान से देखो। पहले आप इतना नोट कर लो, मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो, मिटा दूं, ओके। अब इसमें देखो दो केसेस बनेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप वन एंड टाइप टू, टाइप वन एंड टाइप टू। क्या क्या है ध्यान से देखना, बस ग्राफ की कहानी है, सारी सारी कहानी ग्राफ की है, एक्स ए इक्वल टू जीरो, एक्स ए इक्वल टू वन, एक्स बी इक्वल टू वन, एक्स बी इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे एक्स बी पहले वन लेते हैं, कि इस तरफ प्योर बी है, इस तरफ प्योर ए है, ये क्या है प्योर बी, ये क्या है प्योर ए, बी के मोल फ्रैक्शन जीरो, यहाँ ए के मोल फ्रैक्शन जीरो, एक ग्राफ ये बना, एक ग्राफ ये बना, पी नॉट ए हो जाएगा, यहाँ यहाँ पी नॉट बी हो जाएगा, देखो बी के मोल फ्रैक्शन वन हो गए, प्योर बी का प्रेशर पी नॉट बी, ए के मोल फ्रैक्शन वन हो गए, प्योर ए का प्रेशर पी नॉट ए, एंड दिस इज पी टोटल, ठीक है। अब सुनना, देखो टाइप वन टाइप टू, पहले तो दोनों सेम ग्राफ बना लो पहले, फिर बताएं। एक्स ए इक्वल टू जीरो, एक्स बी इक्वल टू वन, यहाँ पे प्योर बी है, एक्स बी इक्वल टू सॉरी एक्स ए इक्वल टू वन, एक्स बी इक्वल टू जीरो, ये हो गया प्योर ए, ये पी नॉट ए का ग्राफ, ये पी नॉट बी का ग्राफ सॉरी पी पी बी का ग्राफ, यहाँ पे पी नॉट बी, प्योर बी है तो प्योर बी का प्रेशर पी नॉट बी, प्योर ए है प्योर ए का प्रेशर पी नॉट ए, और ये पी टी, ठीक है। ये हो गया पी ए का ग्राफ, ये पी बी का, पी टोटल का। तो अभी देखो दोनों में क्या होगा कि पॉजिटिव डेविएशन है तो सारे ग्राफ इसके ऊपर ऊपर होंगे। अब टाइप वन और टाइप टू में डिफरेंस क्या है ये समझो, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप वन एंड टाइप टू, ध्यान से देखना। टाइप वन को ध्यान से, पीए में कोई चेंज नहीं है, पीबी में कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल पॉजिटिव डिविजन वाले ग्राफ हैं। जो कहानी है वो यहां पे पी टोटल में, ध्यान से समझाते हैं। ये वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, बस ज़्यादा होगा, है कि नहीं, ज़्यादा तो होना ही है, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये ग्राफ होना चाहिए था बट ऊपर वाला हुआ, ये ग्राफ होना चाहिए था बट ऊपर वाला हुआ, यहां पे चेंज क्या हुआ ध्यान से देखना। अब नॉर्मल इंसान को दो दिखाओ तो बोलेगा दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों सेम तो हैं, यहां भी ये ग्राफ इसके ऊपर, यहां भी ऊपर, यहां भी इसके ऊपर, दोनों पॉजिटिव डेविएशन है। टाइप वन में देखो जो पी टोटल है, पी टोटल है वो इससे तो ग्रेटर है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, बट पी टोटल इज नेवर
greater than P not A or P not B. This is important. ध्यान से देखो, ये जो P total graph है, जो P total graph जा रहा है, is never greater than, sorry, P not B. एक से तो बड़ा रहेगा ही भाई, एक ऊपर बनाया आपने, कभी भी ये P not B से बड़ा नहीं हो पाया. एक से तो ऊपर रहेगा यार, ग्राफ ऊपर बन रहा है कि नहीं, पर कभी भी इसको पार नहीं किया. देखो कहीं पे भी P total graph इसके ऊपर नहीं गया. ये है टाइप वन. टाइप टू में क्या होगा कि ये चीज तो दोनों में ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है. ये तो पॉजिटिव डेविएशन की कहानी है ना, कि P total greater than P not, ये इसमें भी ट्रू, इसमें भी ट्रू, दोनों में. टाइप टू में क्या हुआ कि P total किसी एक जगह पे P not B से भी बड़ा हो गया. दिख रहा है, इस पॉइंट को किताब में M लिखते हैं. P total at some point is greater than even P not B. बस यही डिफरेंस है टाइप वन टाइप टू में. बाकी दोनों में हमेशा P total as expected by Rault's law से तो बड़ा होना ही है भाई, वो तो हमारा कंडीशन ही पॉजिटिव डेविएशन का. इसमें P total कहीं पे भी बड़े वाले कंपोनेंट के प्योर लिक्विड के प्रेशर से बड़ा नहीं हुआ. फिर से P total कभी भी एक कंपोनेंट के प्योर लिक्विड के प्रेशर से बड़ा नहीं हुआ. ये प्योर B का प्रेशर है, मतलब एक के प्योर प्रेशर से बड़ा तो हमेशा है पर दूसरे से कभी बड़ा नहीं हुआ. इसमें एक से बड़ा तो हमेशा है और एक बार कहीं बी से भी बड़ा हो गया. पी टी एट सम पॉइंट इज ग्रेटर देन इवन पी नॉट बी. ये छोटा सा डिफरेंस है टाइप टू और टाइप वन सॉल्यूशन में. इसमें से एजियोट्रोपिक मिक्सचर सिर्फ ये बनाते हैं, इसलिए ये बात बताना जरूरी था. तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का लेक्चर बाद में आएगा, तो तब तक पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.